शरियार, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी और आपकी फैमिली के झूठ की वजह से। धोखा दिया है आप सबने। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। इतनी लंबी दुआ की क्या मांगा? सबके लिए अमन और सलामती की दुआ। मेरे लिए क्या मांगा? आपके लिए आपकी लंबी उम्र। अम्मी कहती हैं कि इबादत करने के बाद अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं करते। नहीं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर दुआ को कबूल। क्यों जरूरी नहीं है? और वैसे भी अल्लाह ताला नियत से वाकिफ होता है इंसान की। और मेरी नियत मेरी मोहब्बत की तरह पाक और शफाफ है। हाँ, ये सब सच है। एक एक बात जो तुमने बोली है वो सच है, मगर इमल मेरा यकीन करो, अगर मैं मम्मी की बात मानता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। और मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है यार। काश काश ये बात मुझे पहले से पता होती, मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। अपनी बहन की जिंदगी तबाह करने से तो बेहतर था कि मैं अपनी मोहब्बत को ही दफना देती। कम से कम ये एहसास जुर्म तो ना रहता कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो गई। इमल, मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर, सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, ना ही आपको और ना ही खुद को। मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। क्यों क्यों बर्बाद करना चाहती हो सब कुछ? मेहरोज भाई के पास जितने दिन रहनी है, तुम नहीं चाहती हो कि वो खुशी खुशी गुजारे? अगर तुमने घर में ये हंगामा खड़ा किया तो घर का सुकून धर्म भरम हो जाएगा और इस सबसे मेहरोज भाई की जान भी जा सकती। और मेरी बहन का क्या, जो इस धोखे को खुशियां समझकर जी रही है? बार बार वो इस रिश्ते से इनकार करती रही लेकिन मैं उसे मनाती रही, आपकी आपकी फैमिली और मेहरोज भाई की खूबियां गिनवाती रही। कि चरियार, आपने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को धोखा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।